बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक नमाज, रोज़े और ज़िक्र इलाही में महमूद बनने वाले शख्स के हाथ कहीं से सोने की ईंट पड़ी हुई लग गई, जिसकी वजह से उसके कल्ब की माहियत ही बदल गई। खुदा की याद से गाफिल होकर अब उसने हर वक्त दुनियावी आसाइशें हासिल करने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। कभी आला शानदार महल, कभी बगीचे, फिर दोस्त कभी बेहतरीन ताम और लिबास फाखरा, और कहीं कुछ और गर्ज के इस तरह की सोचों ने उसकी नींद हराम कर दी। इसी परेशान हाली और सोचों में गुम वो एक दिन जंगल की तरफ निकल गया। वहां उसने एक शख्स को कब्र की मिट्टी से ईंटें बनाते हुए देखा। ये मंजर देखकर उसके दिमाग पर छाई हुई हवस की गर्द छटी। उसने सोचा, तू भी कैसा अहमक और बेवकूफ है, सोने की ईंट क्या हाथ आई, तू अपनी आकबत भी भूल गया। हो सकता है कि कल को तुम्हारी कब्र की मिट्टी से भी इसी तरह ईंटें बनाई जाएं। अपनी उम्र अजीज जाया न कर और सीधी राह इख्तियार कर। दौलत हाजात पूरी करने का एक जरिया है। हद से ज्याद दौलत इंसान के दिल को पत्थर बना देती है, और याद इलाही से गफलत में पढ़कर दुनियावी शोर शगब और लहू लब में डूब जाता है। इस तरह ना सिर्फ अपनी आकबत खराब करता है, बल्कि दुनिया में भी खसारे में रहता है। जाहिल के सामने अकल की बात मत करो, क्योंकि पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन के दिल को मेहरबानी से जीतें, और दोस्त का दिल नेक सलूक से। अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की तरह होता है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, मगर जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। हर इंसान में खामियां होती हैं, बजाय खामियां ढूंढने के उसकी खूबियों पर नज़र रखें। वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। दौलत कमाकर इज्जत हासिल करो, ना कि जिल्लत। अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए रोशनी की एक नन्ही सी किरण ही काफ़ी होती है, और हो सकता है वो किरण आप हों। सबसे बड़ी दौलत अकल है, और सबसे बड़ी मुफलसी बेवकूफ़ी है। मैदे की गर्मी से निजात चाहते हैं तो खाने के बाद दही लाजमी खाया करें। इससे आपका मैदा ठंडा रहेगा, यानी मैदे की गर्मी ख़त्म होगी। प्यारे दोस्तों, मज़ीद अच्छी अच्छी सिलाई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल की बाकी वीडियोस का भी विज़िट करें। मैं उन तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ, जो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मज़ीद ये कि आप दोस्त मुझे अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें। आपकी हौसला अफजाई करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।